पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेले गए पहले T20 मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया, जिसमें पाकिस्तान टीम पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में सिर्फ 158 रन बना सकी। दूसरी बैटिंग करते हुए इंग्लैंड टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर आसानी से हदफ को पूरा कर लिया। दोस्तों, पाकिस्तान मैच तो हार गया, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने अपनी बैटिंग और बातों से सबके दिल जीत लिए। मोहम्मद रिजवान ने 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 46 बॉल्स पर 68 रन बनाए। मैच के बाद जब रिजवान से पूछा गया कि आप पर बड़ी तनकीद की जा रही है, तो रिजवान ने कहा कि जो कोई भी सोच रहा है या बातें कर रहा है मुझे नहीं पता। अगर मैं पाकिस्तान में जो भी प्लेयर अंदर पाकिस्तान के लिए ईमानदारी से खेल रहा है वो जलील नहीं होगा। जो कोई भी अपनी ज़ात के लिए कर रहा है अल्लाह पाक उसको जलील करेगा, इज्जत तो नहीं मिलेगी, क्योंकि ईमानदारी सबसे पहले है हमारे पाकिस्तान के लिए। वो मैं हूँ या जो भी है, जो मुखलिस होगा पाकिस्तान के लिए अल्लाह पाक उसको इज्जत देगा। मैं उन चीज़ों पर कायम हूँ। दोस्तों, मोहम्मद रिजवान के इस बयान पर हर कोई मोहम्मद रिजवान से मोहब्बत करने लगा है। दोस्तों, आप भी रिजवान को पसंद करते हैं तो कमेंट्स में लाजमी बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया।